साहब, कल 1 तारीख को आपने एक पंचायत का आयोजन किया है, क्या किन मुद्दों को लेकर पंचायत हो रही है? देखो, मुद्दे एनजीटी का मुद्दा है और यहाँ 2 दिन से किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। जो डीजल इंजन है किसानों के कब्जे में है, लेकिन प्रशासन का रवैया नहीं, हमको लग रहा कि वो कोई ठीक बात कर रहा हो। यहाँ पर गन्ने का बड़ा इशू है पूरे विश्व में, पर्चियाँ किसानों को नहीं मिल रही, अवैध रूप से गन्नों की खरीद हो रही है, किसी को कैलेंडर नहीं मिले। गन्ने का आज भाव बढ़ना था और भाव नहीं बढ़ा, तो कल इसलिए एक मीटिंग बुलवाई कि हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। यहाँ पर कल तो सारे कार्यकर्ता सब लोगों को बुलवाया है हमने कल। अभी तक की जो आपकी ये धरना चल रहा है, कितने समय से चल रहा है और क्या कुछ अब तक की मांग रही है आपकी? देखो, अभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया प्रशासन, और इसको कल हमने शुरू कर दिया था, 2रा दिन है और कल 3रे दिन हम अपनी रणनीति यहाँ पे पूर्ण रूप से बनाएंगे। कितने लोग आने की उम्मीद जता रहे हैं? कार्यकर्ता ज़्यादातर उसमें लोग होंगे, जो रणनीति बनेगी उसके बाद में, फिर अगर बड़ी पंचायत करनी होगी तो कल के बाद में अच्छा, करेंगे। 2 दिन से यहाँ पे आपके कार्यकर्ता हैं, किसान हैं यहाँ पे, जी, तो देखने वाला जैसे खाने पीने की रहने की व्यवस्था किस तरह से व्यवस्थित आप एक धरना चला रहे हैं? व्यवस्थित कर रहे हो तो किसान आपस में सब मिलकर करते हैं और गांव के लोग इसमें सब लोग सहयोग देते हैं। इसमें खाना पीना रहने जो खाने का रहने का पूर्ण रूप से सब गांव के खुद लोग करते हैं, और हमने यहाँ पर ट्रैक पे भी किसी पब्लिक को कोई वो नहीं करा, और हम रेलवे बाधित भी नहीं हुई। लेकिन अगर प्रशासन नहीं बात सुनेगा तो कल के बाद में हम रेलवे ट्रैक भी हम जाम करेंगे।